प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्तिपुंज को और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो यह ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, नो नहीं जा पाओगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 और 11 वचन में लिखा हुआ है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में वह पस और झूठा भविष्य दखता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वह शैतान जो हम सभी को पाप में गिराता है, पशु और झूठा भविष्य दखता, ये तीनों झील में होंगे डाल दिए जाएंगे और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। लुका की पुस्तक 23 अध्याय के 29 और 30 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते बाइबल से प्रूफ आपके लिए। जब सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां यीशु के लिए रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो यीशु ने उन स्त्रियों की ओर फिर कर कहा था, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए नहीं अपने और अपने बालकों के लिए जाकर रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। कौन से दिन आते हैं? 7 साल का महाभारी क्लेश काल का दिन, जिनमें कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्थान जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे लोग कहेंगे, पहाड़ों से कहेंगे, कहने लगेंगे, रैप्चर हो जाने के बाद जो लोग यहाँ बच जाएंगे वे लोग कहेंगे, पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, हम पर गिर पर, और टीलों से कहेंगे कि हमें ढांप लो। उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अभी सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा है, अभी बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। आज एक मसीह पाप करने से जरा भी नहीं हिचकिचा रहा है और बड़े आराम से पाप कर देता है। थोड़ा सा मज़ा, थोड़ा सा शारीरिक मज़ा लेने के चक्कर में वह व्यक्ति भूल जाता है कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। बहुत महंगा पड़ेगा नरक में जाना, वहाँ न आग बुझेगी और न वहाँ कीड़े मरेंगे। बहुत तड़पाएगा परमेश्वर ऐसे लोगों को। मसीह विरोधी के दिन में हाहाकार मचा होगा। उस 7 वर्ष में, उस 7 साल में यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य जिंदा जलेंगे, जिंदा, क्योंकि परमेश्वर का सारा प्रकोप पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों पर पड़ेगा, क्योंकि हमने जीवित खुदा के न्याय को ललकारा है जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। आज मनुष्य ने जीवन को नहीं, मरण ही को चुना है। आज मनुष्य अनजाने में अपने लिए खुद नरक का दरवाजा खोल दिया है। आज मनुष्य दौलत के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, थोड़ी सी शांति के चक्कर में मनुष्य अपनी आत्मा को नाश कर देता है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 8 और 9 वचन में लिखा हुआ है, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सभी पत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। इस सूरज को परमेश्वर के एक आग का गोला बना देगा, इतनी हार्ड तपर रोशनी फेंकेगा कि मनुष्य की चमड़ियाँ जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी, मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी और फिर भी मौत नहीं आएगी। इतना तड़पाएगा परमेश्वर उन लोगों को जो यहाँ पर रह जाएंगे, बच जाएंगे, और जब फिर परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, तब जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया जाएगा तो उसको परमेश्वर आग में नंगा ही डालेगा। वहाँ ना आग बुझती है और ना वहाँ के कीड़े मरते हैं, जहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। तब हैया दैया मैया से काम नहीं चलेगा, तब आपको उसी अनंत काल की आग में जलना ही पड़ेगा। उसने अपने हाथों में, पैरों में कीले ठुकवाए, उसके दर्द को महसूस करो मेरे प्रियो, वरना जो आपके शरीर में जो गर्मी भरी है ना वो उसी अनंत काल की आग में निकल जाएगी। पाप से बाहर निकल आओ मेरे प्रियो, जागो, यीशु आ रहे हैं। अगर आपका पहला पुनरुत्थान नहीं हुआ तो 1000 साल के बाद अधोलोक से निकल कर आओगे और अधोलोक से निकल कर अपना शरीर पहनोगे। पश्चाताप कर लो, शरीर तो वैसे भी मिट्टी में जाएगा, नाश हो जाएगा,
फिर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, अलग अलग समय में आएंगे। हम समय में आएंगे और अपना अपना शरीर पहनेंगे, या तो ऊपर की ओर जाएंगे या तो नीचे की ओर जाएंगे। समय रहते हुए पश्चाताप कर लो, आंसू बहा लो, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।